हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन आप तक। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल अदरक वाली गोभी, जो कि बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने गोभी ले ली है और इसको हमने इस तरीके से काटा है। इस गोभी को आपने ज़्यादा लंबे पीसेस नहीं करने हैं, ये डंठल जो है नीचे से काट दीजिए और गोभी में ही ऐड रखिए उसको। ये गोभी को हमने 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद में 5-7 मिनट इसको सूखने दिया है। इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरीके से हम आलू की भी कटिंग करेंगे। ये आलू के पीसेस आप देख सकते हैं, ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा पतले भी नहीं हैं। इसी तरीके से आप स्लाइसेस में काटिए। इधर हम वेजिटेबल ऑयल गर्म कर देते हैं, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल वगैरह भी ले सकते हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे आलूओं को। ये आलू को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ही इनको हमें फ्राई करना है इनके कलर चेंज होने तक। फ्रेंड्स, आपके वीडियो को एंड तक देखते रहिए, इसमें मैं जैसे जैसे चीज़ें ऐड करती जाऊंगी और आपको साथ साथ ही बताती जाऊंगी कि इसमें हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बढ़िया गोभी बनानी है। चलिए अब इसमें हम गोभी ऐड करते हैं। ये देखिए, ये मैंने गोभी ऐड कर दी है और आलू को मैंने हल्का ही फ्राई किया है। गोभी ऐड करने के बाद इसको स्टर करते हुए हल्का ही फ्राई करें। गैस फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसको हल्के हल्के फ्राई करेंगे। ये देखिए, गोभी का कलर और आलू का कलर दोनों का चेंज है। और अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे। ये मैंने 1/4 टेबलस्पून से भी कम हींग ली है और इसको स्टर करते हुए मिलाएंगे। इसमें हम ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी गोभी बहुत ही डिलीशियस तैयार होगी। इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। मैंने 1/2 टेबलस्पून हल्दी ऐड की है और इसमें अब हम रेड चिल्ली ऐड करेंगे। ये भी मैंने 1/2 टेबलस्पून ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कमती बढ़ती कर सकते हैं। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। ये देखिए, ये मैंने 1 टेबलस्पून से कम सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, जितना भी आप डालना चाहें उतना आप डाल सकते हैं। इसको स्टर करते हुए अच्छे से मसालों को मिक्स कर देंगे गोभी में इस तरीके से। और इसको अब हम कवर करेंगे लिड लगा के 5-7 मिनट के लिए। इसको हम ऐसे ही करेंगे और गैस का फ्लेम जो है वो हम लो कर देंगे। चलिए 5-7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेंगे। वाह, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गोभी और आलू हमारे हाफ फ्राई हुए हैं। अभी ये पूरी तरह नहीं बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आता हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड करने वाले हैं, जैसा कि ये अदरक। अदरक को मैंने इससे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और ये कोरिएंडर है, कोरिएंडर को भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये ग्रीन चिल्ली है, ग्रीन चिल्ली को मैंने कुछ बारीक चॉप किया है, लेकिन कुछ मैंने ग्रीन चिल्ली ली है जिसमें मैंने बीच में इस तरीके से कट लगाए हैं। ये गोभी आलू की सब्ज़ी में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो अभी हम इसमें धीरे धीरे सभी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ये अदरक जो है इसको हम इस तरीके से स्प्रेड करते हुए ऐड करेंगे, सभी एक जगह इकट्ठा नहीं डालेंगे। इसी तरीके से हमने ग्रीन चिल्ली भी ऐड करनी है और कोरिएंडर भी इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। ये देखिए,
ये सभी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको अच्छे से स्टर करेंगे और गैस का फ्लेम हम इसमें मीडियम टू हाई कर देंगे इस टाइम इसको, क्योंकि हमें अभी अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से इसको हम भूनेंगे। इसमें अब गरम मसाला ऐड करेंगे। एक टेबलस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। सभी मसालों का टेस्ट गोभी आलू में ऐड हो जाएगा। अच्छे से हम फ्राई करेंगे जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। कवर करेंगे 2 मिनट तक और गैस का फ्लेम कम करेंगे। ये लिड हटा के हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए, गोभी आलू की सब्जी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुई है। आप फ्रेंड्स इसको बनाइए, बहुत ही अच्छे से ये बनेगी। चलिए इसकी हम प्लेटिंग करते हैं और धनिए के साथ इसको गार्निश करेंगे। आप चाहें तो चॉप करके भी धनिए को इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। देखिए, गोभी आलू की सब्जी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुई है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसमें हमने बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है। नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाले का सिर्फ यूज़ किया है, जिससे ये गोभी आलू बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। और इसको आप कभी भी इजीली तरीके से बना सकते हैं घर में। अक्सर हम इसी तरीके से घर में गोभी बनाते हैं। आपने देखा होगा, हमने इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये गोभी बहुत ही बढ़िया से बन के तैयार होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स आप इसको बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपसे ये कैसी बनी है, इसका टेस्ट आपको कैसा लगा है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।